गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण का तीसरा पाठ मात्राएं, शब्द और वाक्य देखेंगे मात्राएं क्या होती हैं शब्द और वाक्य इन सबकी परिभाषा भी देखेंगे और कैसे बनते हैं तो सबसे पहले आते हैं मात्राएं पर मात्राएं क्या हैं आपने इससे पहले के वीडियो में देखा होगा हमने स्वर पढ़े हैं व्यंजन पढ़े हैं यही स्वर स्वर कितने हैं स्वर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्यारह स्वर हैं इन सभी स्वर मात्राएं होती हैं और इन्हें व्यंजन में लगाकर एक रूप बदल जाता है व्यंजन का रूप बदल जाता है तो एक सही अर्थ देता है अब देखिए देखते हैं जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है चिता तेज भागता है अगर चिता में मात्रा न लगी हो तो ये किस तरह से बनेगा छ आ और त में में ए अलग लगा दो तो त ए ज इसका कोई अर्थ नहीं बना तो व्यंजन के साथ स्वर जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है स्वरों के इस बदले रूप को मात्रा कहते हैं यदि स्वर को मात्रा के रूप में न लगाएं तो इसका अर्थ नहीं बनता है अब आते हैं यह मात्राएं सब होती क्या हैं और कैसी दिखती हैं तो आप देखिए ये सभी स्वर की मात्रा होती हैं अ की मात्रा आ की मात्रा हर्सी दीर्घी हर्सु दुर्घु री ए आई, ओ, ओ, इन सब की मात्राएं होती है अ की मात्रा दिखती नहीं है लेकिन फिर भी हम उच्चारण में उसे बोलते हैं और उसे विच्छेद करते समय हम लिखते हैं आ की मात्रा क में अगर व्यंजन क में अगर आ की मात्रा लगे तो वो का बना में हर्सी की मात्रा लगे तो मी बना ख में दीर्घी तो की मात्रा बने तो खी बना ग में हर्सू की मात्रा बने तो गु बना झ में दीर्घी ऊ की मात्रा बने तो झू बना में री की मात्रा लगे तो मृ तो बना तो र में ए की मात्रा लगे तो रे ब में ऐ की मात्रा तो बई ढ में ओ की मात्रा तो ढो फ में औ की मात्रा तो फो इस तरह से सभी व्यंजन में स्वर लगने पर इसका रूप बदल जाता है और यही बदला रूप मात्रा कहलाते हैं तो आप लोगों ने देख लिया और यह मात्रा व्यंजन के आगे भी लगता है पीछे भी लगता है ऊपर भी लगता है और नीचे भी लगता है अब आते हैं शब्द जब हम वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं वर्णों के मेल से जब कोई अर्थ निकलता है तभी शब्द बनता है या इसे हम इस तरह से कह सकते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल शब्द कहलाते हैं अगर वर्णों को सही क्रम में लिखते हैं तो एक सार्थक अर्थ बनता है अगर सही क्रम में नहीं लिखने पर इसका कोई अर्थ नहीं बनता है जैसे म ल मकल कोई अर्थ नहीं बना लेकिन उसको अगर सही क्रम में लिखे तो कमल एक अर्थ बना तो इस तरह से ये शब्द बने अब इन्हीं शब्द से हम वाक्य बनाते हैं जब हमने शब्द बनाना सीख लिया सही कर्म क्रमों में तो उसी शब्दों को सही क्रम में लिखने से वाक्य बनते हैं शब्दों को मिलाने से वाक्य बनते हैं शब्दों का मेल वाक्य तभी कहलाता है जब सभी अर्थ सभी शब्द सही क्रम में लिखे गए हों और मिलकर एक एक अर्थ देते हैं जैसे देखिए आकाश पक्षी में रहे उड़ इसका कोई अर्थ नहीं बनता है लेकिन इसको अगर हम सही क्रम में लिखें तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं एक अर्थ बनता है तो वाक्य वही है कि शब्दों को सही क्रम में लिखने से एक अर्थ बनता इसे हम वाक्य कहते हैं व्यंजन के साथ लगने पर स्वर का रूप बदल जाता है स्वर के बदले रूप को मात्रा कहते हैं वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ अगली वीडियो में मैं आपको अभ्यास करवाऊँगी तब तक के लिए धन्यवाद